वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिडटर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिडटर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिडटर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए CS 508 का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर और सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको MCQs की बात करवाए जाएंगे। पहले एक है, टेल द नेम्स ऑफ ऑपरेट्स दैट आर प्रेजेंट इन एडा बट नॉट इन C++। इनके नाम बताएं ऑपरेट्स के जो के होते हैं एडा के अंदर लेकिन C++ में नहीं। उसके बाद ये कि ओवरलोडिंग इन एडा एंड C++, जो ओवरलोडिंग है एडा और C++ के अंदर। उसके बाद ये जो प्रपोजल है एडा का, उसको प्रपोज किया था कौन सी कंपनी ने। उसके बाद ये कि तीन फंक्शंस लिखे हैं जो कि यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिस्ट, जो लिस्ट के अंदर। सो अब MCQs में यह है कि फंक्शन जो होते हैं लिस्प के अंदर, वो जो है कौन सी नोटेशन में है, वो है प्रीफिक्स के अंदर। उसके बाद ये डैश जो है उसका जो है एक प्रीडिफाइन इनहेरिटेंस हायरार्की नहीं है होती, वो है एडा। उसके बाद ये कि अगर प्रोग्राम जो है वो लिखा जाता है पार्टिकुलर लैंग्वेज में इज लेस डैश, वो डैश होता है, देन कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ सिस्टम में भी सिग्निफिकेंट, वो है लेस रिलायबल। और उसके बाद ये जो पोर्टेबिलिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशन इनमें से किसके साथ, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ। और उसके बाद ये जो कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर होता है वो देता है राइज जो है आइडिया को ऑफ डैश डैश के किसके, लाइब्रेरीज के, जिनके ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं जिनको रीयूज भी किया जा सकता है ओवर एंड ओवर, यानी कि बार बार। उसके बाद ये क्या आइडेंटिफाई करें फीचर जो कि अवेलेबल नहीं था फोरट्रेन 4 के अंदर, वो है सपोर्ट फॉर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। और उसके बाद ये कि डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जानी जाती है राइट ओनली लैंग्वेज के तौर पर, वो APL है। और उसके बाद ये कि स्नोबॉल जो है वो केस क्या है, इनसेंसिटिव। और उसके बाद ये कि जो अर्लीस्ट फॉर्म है कंप्यूटर लैंग्वेज की बात, वो कौन सा मोशन थी, वो फिजिकल मोशन थी। और उसके बाद ये कि डैश जो है वो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, वो फोरट्रेन है। उसके बाद ये कि कोबोल मेनली डिज़ाइन किया गया किसके लिए, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। और उसके बाद ये कि फर्स्ट लेवल फर्स्ट लैंग्वेज जिसने प्रोवाइड किया कॉन्सेप्ट जो है पॉइंटर डेटा टाइप का, वो था PL/1। उसके बाद ये कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो था ENIAC। और उसके बाद ये कि जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, एक को छोड़ के वो है लिस्प, बाकी है C++, जावा और C#। उसके बाद ये तमाम जितने भी ऑप्शन है, ये जो इंपेरेटिव लैंग्वेज है एक को छोड़ कर, वो है लिस्प, बाकी है सी, फोरट्रेन और पास्कल। और उसके बाद ये लर्निंग कर्व जो होता है वो डैश प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद ये कि प्रोलोग रिप्रेजेंट करता है पैराडाइम को, डिक्लेरेटिव को। और उसके बाद ये कि डैश जो है वो पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, वो थी सिमुला। और उसके बाद ये कि स्नोबॉल जो है इसको डिज़ाइन किया गया कौन से पर्पज़ के लिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। और उसके बाद ये कि डैश को कंसिडर किया गया गुड डिस्क्राइब करने के लिए एल्गोरिथम, वो है एल्गोल। और अब आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर हैं। तो पहला एक है, टेल दी नेम्स, नेम्स बताएं ऑपरेट्स के जो कि प्रेजेंट होते हैं एडा के अंदर लेकिन C++ में नहीं होते, तो वो है रिमाइंडर रैम, एब्सोल्यूट वैल्यू एप्स, एक्सपोनेंशिएशन, रेंज, मेंबरशिप इन, और इसके अलावा स्ट्रिंग कंसेंटेनेशन एंड। और ओवरलोडिंग जो है एडा और C++ की अगर हम बात करें तो एडा अलाउ करता है एक लिमिटेड ओवरलोडिंग जो ऑपरेटर्स की, और जो एक्सेप्शन होता है एडा के वो ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो ओवररिडन नहीं हो सकता, और ये जो है ओवररिडन हो सकता है इन केस ऑफ इनहेरिटेंस जब हो एक स्पेशल काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। और जब आप ओवरराइड करते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर, आप जो है इम्प्लिसिटली तौर पर ओवरराइड कर देते हैं इन इक्वालिटी ऑपरेटर। उसके बाद ये कि जो प्रपोजल है एडा का, उसको प्रपोज किया था कौन सी कंपनी ने, सो DoD ने अनाउंस किया कि लैंग्वेज जो है वो कहलाई जाएगी एडा। सो DoD ने अनाउंस किया, वो कंपनी थी DoD। उसके बाद ये कि थ्री फंक्शंस लिखे हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिस्ट जो है लिस्ट के अंदर। लिस्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है हेल्प के साथ तीन बेसिक फंक्शन के, वो है कॉन्स, लिस्ट और अपेंड। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन खास तो इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।